भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी, बड़े अजाब की बीमारी हो, वो जिंदगी भर जाना के तो मैं बोले सर का 3-4 महीने कर ले तो फिर जिंदगी भर आता नहीं अस्थमा। उसे क्या करना, सबसे पहले ठंडा पानी पीने का छोड़ डालना, आइस का पानी, फिट का पानी, बाटला का पानी, ये सब छोड़ डालना। पानी 5 पत्ते बोलते हो, दाल को पका लेना, 4-4 पत्ते डाल लो, आम के पत्ते 4-5 डालो, जाम के पत्ते 4-5 डालो, जामुन के पत्ते 4-5 डालो, और जो है करिया पत्ता ज़रा डालो, करिया पत्ता ज़रा डाल को, थोड़ी कलौंजी, एक चमचा कलौंजी, और 1 चमचा मेथी डालो, 1 मुट्ठी धनिया डालो, 2-2.5 लीटर पानी डालो, अच्छा पकाओ, छान को शाम तक पियो पानी, दूसरा पानी कोसा भी नहीं पीना, ये पानी सुबह को पका लेना, शाम तक पीना। एक दूसरा, उसी पानी में जो है 1 चमचा अरंडी का तेल डाल दो, और 1 चमचा अरंडी का तेल डाल दो शाम को, और सुबह को 1 चमचा जैतून का तेल डाल दो, और दोपहर में 1 चमचा खोपरे का तेल डाल दो, ये 3 चमचे टीस्पून छोटे डालने को, ये पानी पीना 4 महीने तक भी, और आपका अस्थमा बिल्कुल गायब हुआ था इंशाल्लाह। एक हुआ, और दूसरा ये रहा कलौंजी का कषाया, ऐसे 200 के करीब जड़ बूटियां का पानी है, इसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी आधा गिलास पी जाओ, आधा गिलास इंशाल्लाह। और दूसरा दालचीनी का पाउडर 100 ग्राम बना लियो, उसमें 100 ग्राम शहद मिला लियो, चकले का पाउडर, लौंग चकला बोलती ना वो, दालचीनी का पाउडर 100 ग्राम और 100 ग्राम शहद, दाल को खला लियो, सोने के टाइम को 1/2 चमचा 1 चमचा चाट ले को सो जाओ, खाना खाए बाद सुबह तक पानी नहीं पीना, ऐसा 10 दिन कर डालो, आपकी बीमारी ख़त्म हुआ थी इंशाल्लाह। 10 दिन में ख़त्म नहीं हुई, अब 10 दिन करो, 10 दिन में नहीं हुई, अब 10 दिन, 1 महीने में आपकी बीमारी अस्थमा की ख़त्म इंशाल्लाह।